क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज है, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से परेशान हैं, या फिर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं? आपने इसके लिए तरह तरह की दवाई खा ली लेकिन फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा, या फिर बॉडी में खून की कमी है? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आप ये सारी समस्याओं को घर पर ही सही कर सकते हैं। आपको किसी तरह की दवाई पर डिपेंड रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बाजार से तरह तरह के सप्लीमेंट प्रोटीन शेक लाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप जो बाजार से सप्लीमेंट या प्रोटीन शेक लेकर आते हैं, ये सिर्फ कंपनियों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आज जो मैं रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे आप अपनी कई बीमारियों को घर पर ही सही कर सकते हो। आपको महंगी महंगी दवाइयाँ लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ सॉल्यूशन को आज ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बीमारियों का कारण जानना चाहिए। कोई भी डॉक्टर या मेडिकल साइंस आपको बीमारी का कारण नहीं बताती। आज जो इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, जो हर घर में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका मेन कारण है हमारा गलत लाइफस्टाइल। आजकल हम जो चीजें खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से पकाई जाती हैं। आप खुद ही देखिए, जब आप घर पर जूस निकालते हो तो वो कुछ समय बाद कड़वा हो जाता है, लेकिन जो जूस आप बाजार से लेकर आते हो वो 3-3 महीनों तक चलता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डाले जाते हैं। दोस्तों, जूस तो उसमें सिर्फ 10% ही होता है, वो भी प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स की वजह से उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बाजार की चीजें खाना बंद करना चाहिए। जो आप बाजार से तली हुई चीजें खाते हो, डीप फ्राइड चीजें खाते हो, इनका सेवन आपको बंद करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम रेमेडीज की ओर। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना हम सबके घरों में होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम नहीं जानते। दोस्तों, मेथी दाने का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का तरीका है कि रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले इस पानी को पिएं और फिर मेथी को चबा चबा कर खा जाएं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बाजार से मेथी लेकर आनी है, मेथे नहीं। अगर आप इस तरह से मेथी दाने का सेवन करते हो तो आपकी कितनी ही बीमारियां घर पर सही हो जाएंगी। आपकी डायबिटीज 2-3 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप सोचेंगे कि डायबिटीज तो खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, ये आज के डॉक्टर और मेडिकल साइंस का कहना है, लेकिन आयुर्वेद में तो ऐसे ढेरों उपाय हैं जिससे आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, गैस, एसिडिटी रहती है, इसके लिए भी मेथी दाना बहुत गुणकारी है। इसके साथ साथ ये हमारे दिल और हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आजकल बहुत सारे लोग बालों के झड़ने के कारण परेशान रहते हैं। आप तरह तरह के शैम्पू और सीरम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके बालों के झड़ने की समस्या सही होने के बजाय और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसे में आपको इस तरीके से मेथी दाने का सेवन करना है। इससे 1-2 महीने में आपके बाल झड़ने खत्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल सफेद हैं तो काले होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मेथी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए चाहिए। दोस्तों, अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जामुन की गुठली। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जामुन तो बहुत खाते होंगे। जामुन की गुठली है ये बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। ये हमारी कई बीमारियों को सही कर देती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो इसके लिए जामुन की गुठली बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपको बस क्या करना है, जामुन की गुठली को सुखाकर इसका पाउडर बना लेना है। आपको सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच इस पाउडर का ले लेना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। जो आप इतने सालों से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, आपको वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप जामुन की गुठली का सेवन करते हो तो इससे हमारा खून धीरे धीरे पतला होने लग जाता है। आपका हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो आपको जामुन की गुठली के जो पाउडर है उसके साथ अपने दांतों को मंजन करना चाहिए। इससे आपके दांतों का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके पिंपल्स, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जामुन की गुठली से खत्म हो सकती है। दोस्तों, आखिरी चीज जो हमें इस्तेमाल करनी है वो है गिलोय। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे कि हमारे दिल संबंधी बीमारियां सही हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों, हार्ट अटैक,
हार्ट ब्लॉकेज होने का मेन कारण है खून का गाढ़ा हो जाना। ये हमारी आर्टरीज में खून जमने लगता है। जब आप गिलोय का सेवन करते हो तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। लेकिन आपको गिलोय का सेवन करना किस तरह से है? आपको गिलोय के डंठल को पानी में अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब पानी आधा रह जाए तो आपको इस काढ़े का सेवन करना है। गिलोय हमारे वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें जितनी भी बीमारियां होती है वो इन दोषों की वजह से होती है। अगर हमारी बॉडी में एक भी दोष बढ़ जाता है तो हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे में गिलोय हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। गिलोय हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग अर्थराइटिस की वजह से चल फिर नहीं पाते, अपने बेसिक काम करने में भी मुश्किल होती है, उन्हें गिलोय के काढ़े का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हो, आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे एंजॉयमेंट पर खर्च करना चाहते हो, तो इन रेमेडीज को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसी जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें।